विचारी मखाने प्रतिकार को भी सीजे जिंदाबाद जिंदाबाद पानी जिंदाबाद जिंदाबाद पानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 दिसंबर 2023 का वो दिन जिस दिन राजस्थान में विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए, लोगों ने सोचा नहीं था कि परिणाम कुछ ऐसे होंगे। बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती है और लगभग 3 महीने का समय बीत जाने के बाद अब बीजेपी की वो खुशी कहीं ना कहीं काफूर होती हुई नजर आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही मंत्रियों की खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का संकट बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपसी फूट नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने जोधपुर में एक नारा फिर से सुना कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। ये नारा पूरे देश में गूंजा क्योंकि ये गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ था, जिन्होंने ERCP का जितना भी श्रेय था वह खुद लेने की कोशिश की है। जोधपुर में, यानी कि उनके गृह जिले में उनका इतना भारी विरोध देखकर गजेंद्र सिंह शेखावत की खुद की आंखें फटी की फटी रह गई। ये विरोध यही नहीं थमा। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 मंत्रियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ चुका है, जिसमें अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और कन्हैया लाल चौधरी शामिल हैं। आपको बता दें कि जब अविनाश गहलोत हनुमानगढ़ के नोहर में एक बैठक में गए थे, लोकसभा चुनावों को लेकर जो बैठक हो रही है उसमें वो जब पहुंचे थे तो वहां पर मंत्री के सामने ही भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। बैठक में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा जैसे ही माइक पर बोलने लगे तो कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इसके साथ ही काशीराम गोदारा को अभिषेक मटोरिया की हार का कारण भी बताया। इसके साथ ही बीजेपी में भीतरघात की स्थिति के आरोप भी लगाए। अविनाश गहलोत के सामने ये पूरा वाक्या हुआ। अविनाश गहलोत लगातार अपने कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया था कि बाद में उन कार्यकर्ताओं को बैठक से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि अविनाश गहलोत के सामने ये जो ड्रामा हुआ था ये ड्रामा कोई छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि जो विरोध था बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो काफ़ी उभर कर सामने आया था। नोहर का ये मामला अब पहुंच चुका था हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में जब सुमित गोदारा भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अमित साहू से भीतरघात करने के आरोप कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए और सुमित गोदारा के सामने कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार नारेबाजी भी की, और जो विरोध का सामना सुमित गोदारा को करना पड़ा, यानी कि अविनाश गहलोत को जिस विरोध का सामना हनुमानगढ़ में करना पड़ा था उसी विरोध का सामना सुमित गोदारा को भी करना पड़ा था। तीन यहां पर दिग्गजों की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे कन्हैयालाल चौधरी की। देखिए, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एक भारी विरोध देखने को मिला था और उसके कुछ दिन के बाद ही मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस लहजे से कन्हैयालाल चौधरी से बातें की जा रही थी वो साफ ये बता रही थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि कन्हैयालाल चौधरी वहां से बचकर भागते हुए नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनको गाड़ी तक घेरा। इसके साथ ही उनके खिलाफ भी जमकर विरोध देखने को मिला। धन्यवाद। और मोदी जी का नुकसान होगा, नहीं होगा। गजेंद्र सिंह जी को जिन्होंने 5000 MCM आप सर्वे करो, राजस्थान का भविष्य बदलने का काम किया। धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी को जिन्होंने भविष्य बदला। के खिलाफ है तो
ये लोकसभा चुनावों से पहले जिस हिसाब से बीजेपी में भीतरघात की स्थिति बन रही है, एक दूसरे की काट की जा रही है, मंत्रियों का विरोध देखा जा रहा है, और लोकसभा चुनावों को लेकर जितनी भी बैठक हो रही है, उन बैठकों में जो हंगामे निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के टेंशन अब लोकसभा चुनावों में अपने ही कार्यकर्ताओं की भीतरघात और विरोध के चलते टेंशन बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़।